25 सितंबर को 90 लोगों ने कहा था कि नहीं, जो मानेसर जाने वाला ग्रुप है वहां से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री 90 से बनेगा। तो अब सचिन पायलट बोलेंगे प्रदेश अध्यक्ष उन 90 से नहीं बनेगा। तो वो आला कमान कह चुका है, इनकी भूमिका बड़ी है। देखिए, वो उनको उससे बड़ा महासचिव बना दिया है, सब बना दिया। और मुझे लगता है अगर आखिरी में बहुत बड़ा रहा पड़ा ना लफड़ा, तो खुद ये सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल सचिन पायलट का राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। उसमें जो सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, वो गुर्जर समाज से हैं और गुर्जर समाज का वोट बैंक उतना प्रभावी नहीं है। वो कुछ सीटों पे प्रभावी है, आपने देखा था 18 सीटें थी 2018 में जो प्रभाव वाली, वो सब जीते थे। वो कितना फैक्टर काम करेगा वही है। और जब एक बार वो कमान देंगे, इधर आप मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष दलित समुदाय से है, गुर्जर हो गया, तो जाटों को संभालना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा जाट हैं, बिल्कुल हटाएंगे तो नाराजगी कहीं वो उसी के लिए लाएंगे कि मैं कह रहा हूं गोविंद सिंह डोटासरा को एलिवेशन मिल सकता है कि वो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की भी पूरी टीम बननी है जी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी टीम बननी है, ये वहीं से कवायद है। और हो सकता है कि अगर कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन पे आती है, अगर उसके नंबर रहते हैं कि जिससे वो लड़ाई आगे बढ़ाएगी, तो राजस्थान में होगा कि अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, आपको सदस्य वोट डालेंगे कांग्रेसी, उससे हो तो वहां से भी सचिन पायलट अपनी, अब की मनोनीत अध्यक्ष नहीं आएगा, अब की चुनाव हो कर आएगा।